भगवान ने एक ही हाथ दिया, सबको दो दिया, एक आत्मा को पढ़ाओ एक शरीर को पढ़ाओ, एक आत्मा को भी खिलाओ एक हाथ से शरीर को खिलाओ, दोनों साथ साथ कर सकते हैं। जिसको समय नहीं है एक साथ कर सकते हो, तो उसकी विधि बताया। और उसके बाद भी जब कोई संबंध संपर्क में मिलते हैं, कोई नहीं मिला फोन करके, है ना, किसी के संबंध में बात करो जरूर, लेकिन दुनिया की बातें नहीं करना। अपने मन में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, कभी भी किसी को सुनाना नहीं, कोई ठीक नहीं कर सकता। हाँ, डॉक्टर को सुनाना जरूर चाहिए, डॉक्टर इलाज करेगा। तो मन के जीवन में जो आत्मा का दुख है, दर्द है, समस्या है, तो शिव बाबा को अमृत वेले योग में बैठते हो, नहीं तो बाबा के कमरे में जाते हो, तो बाबा को जरूर सुनाना। तो भगवान ने कहा, मैं बच्चों का दर्द दुख मिटाने आया हूं, बाकी और किसी को सुना। अगर माता जी को बोलो मुझे ये बीमारी है, माता जी क्या कहेंगे, दवाई देंगी, कहेंगी ये ले लो ये ले लो ये ले लो, है ना। तो कल वो लेंगे तो क्या होगा, किसको बता दो, डॉक्टर तो नहीं है। भारत में हर एक व्यक्ति डॉक्टर है, किसी को भी मिलो वो कहेगा ये दवाई ले लो ये ले लो, है ना, बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन अनुभव नहीं है। तो इसके लिए कि कभी भी अपना दिल का दर्द दुख समस्या किसी को बताना, कोई पूछेगा माता जी कैसे हो, बहुत अच्छे है ना। कभी दुख है, दर्द भी है, बीमारी भी है, हाँ, भगवान के बाबा के कमरे में बैठते हो, डॉक्टर को मिलते हो, डॉक्टर को जरूर सुनाना। संभव है कि नहीं, कि दूसरों को बताने भी चाहिए, हाँ? बताते तो हो, है ना, मुख से निकलता है, माताओं से मिलो, पता जी कैसे हो, नहीं बच्चों की ये बीमारी है, पति ये है, बिजनेस में ऐसा है, खेती में ऐसा हो गया, डॉक्टर ने कहा ये बीमारी है, यही वर्णन करेगा ना। तो वो कौन जिसको ज्ञान नहीं है, जो रोज मुरली ज्ञान सुनते हैं, तो और उनको मुरली के पॉइंट याद है, तो जरूर एक दूसरे को शुभ समाचार देना, अशुभ समाचार जानते हुए भी नहीं देना, पता है, तो उनको अशुभ समाचार देके कोई फायदा है, उनके मन में और दुख डाल देना है। तो दुख दाता के बच्चे हो या दाता के बच्चे, तो दुख का समाचार पता है, सुना है, तो भी अपने मुख से वर्णन नहीं होना चाहिए। मुख से वर्णन करना है तो आता है, पहले मन में बीमारी आती, फिर मुख मतलब तन में बीमारी आती।